जहाँ तक करप्शन का सवाल है, देश में पहले क्या आवाज़ उठती थी कि करप्शन तो हुआ लेकिन उन्होंने किसी छठे आदमी को सूली पर चढ़ा दिया। सामान्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीज़ें निपटा देते हो। फिर एक काले खंड ऐसा आया कि हमें पूछा जाता था 19 के पहले कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कदम नहीं उठाते हो, क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, क्यों लोगों को ये नहीं करते। हम कहते भाई हमारा काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है और हम बद इरादे से कुछ नहीं करेंगे, जो भी होगा हमारी सूचना यही है, जीरो टॉलरेंस, दूसरा तथ्यों के आधार पर ही एक्शन होना चाहिए, परसेप्शन के आधार पर नहीं होना चाहिए। तथ्य जुटाने में मेहनत करनी पड़ती है, अब अफसरों ने मेहनत भी की, अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव घड़ती है। पहले आप ही कहते थे छोटों को पकड़ते हो बड़े छूट जाते हैं, जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगी, बड़े लोग पकड़े जाने लगे, तो अब आप चिल्लाने लगे हो।